रानी सैफुल्ला कौन है, कहाँ से, मतलब मुझे तो ये समझ ही नहीं आता रानी सैफुल्ला कौन है। मैं खुद इस चीज़ को समझने के लिए कहते ना इंसान इस ऊंचाई पर आ जाए कि जहाँ अपने आप को समझना ईजी हो। खैर अगर मैं इनिशियली बताऊँ तो रानी सैफुल्ला खान करियर स्टार्ट किया था बोल न्यूज़ से, देन बोल K21 में बहुत कम अर्सा में काम किया, कोई 20-25 दिन, देन जाग न्यूज़ 1.5 साल, फिर GTV 4.5 साल, मेरी दरअसल ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा टाइम मैंने वहाँ गुजारा। और GTV सिर्फ ऑफिस नहीं है, मीडिया नहीं है, मुझे लगता है कि वो मेरा घर भी है। और अब मैं आज न्यूज़ के साथ हूँ, और आज न्यूज़ के साथ और उससे पहले GTV में भी, सिर्फ प्रोग्राम नहीं, मतलब सिर्फ न्यूज़ नहीं कर रही, प्रोग्राम भी करती हूँ मैं वहाँ पे। GTV मैंने 4 सीज़न किए थे स्पोर्ट्स शो, उसके अलावा मॉर्निंग शो करती थी खबर से बाखबर। और फिर खैर मैंने कहा जैसे पहले कि वो मेरा घर है, तो वहाँ पे तो कहते हैं ना कि आप घर में तो हर छोटी बड़ी चीज़ सब खुद कर रहे हो। तो GTV से मैंने स्टार्ट टू एंड एक एक काम, हर प्रोग्राम, हर तरह का प्रोग्राम किया। हाँ अब मैं आज में हूँ, तो आज के साथ मैं न्यूज़ एंड प्रोग्राम दोनों साथ कर रही हूँ। मेरा नहीं ख्याल है ये ऐसा होता है, आप भी काफ़ी टाइम से फील्ड में हैं और मैं भी काफ़ी टाइम से फील्ड में हूँ, मतलब अगर देखा जाए तो हमारे पास मेल और फीमेल वर्जन दोनों आ गया, तो मुझे नहीं लगता कि आपने कभी देखा होगा। हाँ अब ये लड़कियों पे डिपेंड करता है, मैं कभी नहीं कहूँगी कि लड़कों पे डिपेंड करता है, लड़कियों पे डिपेंड करता है। उसका रीज़न ये कि लड़के जो होते हैं ना, वो किसी भी लड़की को, लेडी को, खातून को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो लड़कियाँ खुद होती हैं, जैसे वो ट्रीट होना चाहती हैं। मैं शुरू से एक बात यही करती हूँ। तो हाँ कभी कभार संभल के चलना पड़ता है, लेकिन न्यूज़ मीडिया और एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत डिफरेंस है। एंटरटेनमेंट मीडिया में एक प्रोजेक्ट है, आप जाओ करो, और आपको वो नहीं जानते, हम आपको नहीं जानते, ऐसा सीन होता है। लेकिन जो न्यूज़ मीडिया होता है, ये फैमिली होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत ही कोई सी मतलब ब्रॉड माइंडेड फैमिली से आई और उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, सिमरन तुम्हारी मर्जी, ऐसा नहीं था। मेरी फैमिली को भी इशूज़ थे। जब मैंने बोल ज्वाइन किया, बोल चाहे वो वाहिद अदारा है जहाँ मैंने नाइट भी की है, तो जब मैं बोल से दूसरे चैनल पे गई K21, तो मुझे किसी लड़की ने बताया कि यार मुझे बोल से ऑफ़र है, पर मुझे वो नाइट में हायर कर रहे हैं। तो मैंने उस लड़की को कॉन्फिडेंटली कहा, मैंने कहा यार तुम इतनी सिक्योर हो बोल की नाइट में, जितनी तुम पूरे कराची में दिन में भी सिक्योर हो। मतलब ये वर्ड मैं उसको बार बार कहती थी, और मैं हर किसी से कहती हूँ कि अगर आप किसी चैनल में हो तो आप पूरे कराची की सड़कों पे, रोडों पे, इवन कि आप अपने घर के बाहर, घर फैमिली से एक होता है ना, घर तो घर है, आप अपने घर के बाहर भी इतने सिक्योर नहीं हो जितना आप किसी मीडिया चैनल में हो। मैं रेडियो करती रही हूँ काफ़ी टाइम तक। जब मैंने रेडियो छोड़ने का फैसला किया तो वहाँ पर हमारे बॉस थे नसीम साहब, तो नसीम साहब ने मुझसे पूछा क्या रीज़न है। मैंने कहा सर ऐसी फैमिली मना कर रही है रेडियो पढ़ने से, और वैसे मैं चैनल ज्वाइन कर चुकी हूँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि रानी बेटा ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा एक बाप घर पर है, दूसरा बाप मैं हूँ, तो तुम्हें जब आना हो तुम जैसे अपने बाप के साथ सिक्योर हो वैसे यहाँ पर सिक्योर हो तुम आ जाना। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना इंसान को बड़ी मतलब हमेशा याद रख, हेरेसमेंट नहीं होती, लेकिन हाँ अब यार मैं तो मतलब आपके सामने मतलब सबके साथ बैठ के खाना खाना पानी पीना, मतलब मेरा तो वो एक लेवल ही होता है ब्रो वाला, अली भाई बना लो मुझे तो अपना, तो ये लगे। लेकिन अब लड़कियां जाएं और जाके खुद से ऑफर करें तो हम इससे कुछ नहीं करें।